बसमिल वरम् वा उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफ़ से होंगे एनालिसिसग्रिदम यानी सी एस फाइव जीरो टू का आज हमारा शार्ट लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर एट का जो टॉपिक नंबर एट पॉइंट वन है उसको करने जा रहे हैं अब सोच रहे होंगे हमने प्रीवियस लेक्चर ट्वेंटी सेवन के अंदर भी चैप्टर नंबर एट जो है वो स्टार्ट किया था ग्राफ्स के बारे में सारे इंट्रोडक्शन पढ़े थे तो आज फिर हम दोबारा से फिर क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन समझाया था ग्राफ्स क्या होते हैं ग्राफ्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी एप्लीकेशंस और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में कंप्लीट अब कुछ दोस्त ऐसे भी बीच में होते हैं जो कहते हैं जनाब लो आपने तो अपनी तरफ से स्लाइड्स बनाकर वहाँ से सिखा दिया आपने हैंड ओवर से तो पढ़ाया नहीं था प्रीवियस लेक्चर में सो so, इसलिए मैं जत, मैं 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 हूँ क्यों ना वो जो हमने चीज चीज़ें प्रीवियस लेक्चर ट्वेंटी सेवन में कवर की हैं उनको इंप्लीमेंट करते हुए आज हम फटाफट फट से जो है ना एक बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है ना इसको जल्दी जल्दी जल 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 से हैंड ओवर से भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे हालांकि मैंने आपको कहा था कि ये जो इंट्रोडक्शन है अब आप खुद करिएगा अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन अच्छे से वॉच कर दिया लेकिन चले खैर एक दफ़ा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ यहाँ पर दोबारा ये चीज़ें सारी तो यहां पर देखें जनाब वो कहता है सबसे पहले जो ग्राफ होता है वो बेसिकली कलेक्शन होती है किसकी वी कामा ई वी मीन वर्टेक्स ई कामा मीन एजीस ठीक है ई मीन एजिस वर्टेक्स क्या होते हैं ये जो आपके ग्राफ के अंदर ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं जिसको हम नोड्स कहते हैं दिस इज़ अ वर्टेक्स वर्टेक्स ठीक है और एज किसको कहते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें बताई थी बस जल्द जल्दी जल गो थ्रू करवा रहा हूँ और एज किसको कहते हैं ये जो लाइन मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन जो आपकी एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाती है कनेक्ट करती है इस लाइन को हम क्या कहते हैं जी एज कहते हैं ठीक हो गया उसके बाद जनाब नेक्स्ट अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बात की जा रही है तो ये टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर की हुई है फटाफट से एक दफ़ा दोबारा हम पढ़ लेते हैं ये देखें ये है जी एक ग्राफ ग्राफ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं दो चीज़ें होती हैं एक होते हैं है वर्ट, वर्टेक्स और एक होते हैं एजिज तो इसमें वर्टेक्स और एजिज दोनों हैं सो तो ये एक ग्राफ बन गया अब दूसरी ये कौन सा ग्राफ है ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्यों क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन हमें नहीं दी जाती तो यहाँ पे देखें इसमें कोई कोई भी एज ऐसा नहीं है जो एक डायरेक्शन शो कर रहा हो तो ये एक कौन सा ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ है जबकि अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो जोन अभी एज है उसके ऊपर डायरेक्शन लगी हुई है मतलब वो हमें बता रहा है कि आपने किस दे, जैसे देखो ये एज है ना ये बता रहा है कि आपने टू वर्टेक्स से वन वर्टेक्स की तरफ जाना है ऐसे ये वाला जो एज है ये हमें बता रहा है कि आपने वर्टेक्स वन से वर्टेक्स थ्री की तरफ जाना है दिस इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ उसके बाद सेल्फ लूप क्या होती है इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक ऐसा एस, एक ऐसा एज जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो घूम कर उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाए मतलब किसी और वर्टेक्स पे ना जाए शर्त भी सात आए शर्त ये है कि एक ऐसा एज जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो और फिर किसी और वर्टेक्स पे जाए बगैर उसी सेम वर्टेक्स पे घूम कर वापिस आ जाए ऐसे हम एज को क्या कहते हैं सेल्फ लूप कहते हैं या ऐसी लूप को हम सेल्फ लूप कहते हैं ठीक है उसके बाद मल्टीग्राफ क्या होता है मल्टीग्राफ दोस्तों वो होता है जिसमें आपका एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एक से ज्यादा मरतबा कनेक्ट हो जाए जैसे देखें ये वर्टेक्स नंबर वन है और ये वर्टेक्स नंबर फोर है अब देखो वर्टेक्स वन जो है वो वर्टेक्स फोर के साथ जो है वो एक से ज्यादा मरतबा कनेक्ट है देखें इसके यहाँ पे दो एज लगे हुए हैं देख देख रहे हो तो मैंने आपको बता था ऐसे एज जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से तो एक से ज़्यादा मतलब मिलाएं ऐसे एज इसको हम मल्टी एज कहते हैं और ऐसे ग्राफ को हम जिसमें मल्टी एज पाए जा रहे हो ऐसे ग्राफ को हम मल्टी ग्राफ कहते हैं चलें ये भी हमने कर दिया नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेसेंट वर्टेसिस और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था डिटेल के साथ कि एडजेसेंट वर्टेक्स वो होते हैं कि एक वर्टेक्स के साथ डायरेक्टली जो कनेक्ट वर्टेक्स होते हैं जैसे देखें ये वन के साथ डायरेक्ट कौन कौन कनेक्ट है वन के साथ जो है डायरेक्टली थ्री भी कनेक्ट है वन के साथ डायरेक्टली ये देखें टू भी कनेक्ट है ये इस लाइन के थ्रू ठीक है और इस लाइन के थ्रू थ्री कनेक्ट है और अगर वन के साथ हम देखें तो वन के साथ ये देखें फोर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ये देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ऐसे दो सौ वर्टेक्स जो एक दूसरे दुश... एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको हम एडजेसेंट वर्डसीज कहते हैं अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ क्या ये थ्री और फोर क्या एक दूसरे के एडजेस्टेंट वर्टेक्स हैं तो आपने कहना नहीं क्यों नहीं है क्योंकि देखो थ्री और फोर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है इनडायरेक्टली कनेक्ट है मतलब आप थ्री से पहले वन पे जाओगे फिर वन से आप फोर पे जाओगे तो मतलब एक ऐसा वर्टेक्स जो डायरेक्टली कनेक्ट ना हो उसको जेसन वर्टेक्स नहीं कहते अब यहां पे बता है यहां पे जेसन वर्टेक्स कौन कौन से हैं देखो वन वन का जेसन वर्टेक्स है थ्री

नेक्स्ट ये देखें नेक्स्ट दोस्तों ये इसने बात की है एज की है। ये देखो ये जो इसने लगाया है ना ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ये बिस्क्री बता रहा है एज ये देखो ये एज ई वन मतलब एज नंबर वन है ये आपका एज नंबर लाइन नंबर मतलब टू यानी एज नंबर टू है ये एज नंबर थ्री है और ये एज नंबर फोर है अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है वो बेसिकली कह रहा है कि जो एज वन है ना ये आपके वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू पे जो है इनहसार कर रहा है तो ये देखो ये लिखा भैया ई वन इंसीडेंट ओन वर्टेक्स वन एंड टू के जो ई वन है वो आपके किसके रास्ते में आ रहा है वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू के रास्ते में आ रहा है यानी उन दोनों के आपस में मिला आ रहा है इस तरह के मैं आपसे पूछो E जो टू है ये किसको आपस में मिला रहा है तो आप कहेंगे वन एंड थ्री वन एंड थ्री तो ये देखें ये लिखा हुआ है ई टू इंसीडेंट ऑन वर्टेक्स वन एंड थ्री ऐसे अगर मैं आपको कहूँ कि जो ये जो एज थ्री है ये किस किस को मिला रहा है आपस में तो आप कहोगे कि ये जो है ई वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स फोर को मिला रहा है तो ये देखो ये लिखा हुआ है ई थ्री इंसीडेंट ऑन वर्टेक्स वन एंड फोर और जो ई फोर है वो किसको मिला रहा है वो टू एंड एंड फोर को मिला रहा है सो ये बात यहाँ पर क्लियर होगी आपकी बात की चलें उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस ग्राफ की बात करते हैं इस ग्राफ के अंदर बेसिकली कह रहा है इन एंड आउट डिग्री ये इन एंड आउट डिग्री क्या होती है दोस्तों इन डिग्री का मतलब होता है कि आपके किसी वर्टेक्स पर कितने जो एजिज हैं वो इन हो रहे हैं मतलब एंटर हो रहे हैं उसकी तरफ ठीक है और आउट का मतलब होता है आउट डिग्री का मतलब होता है कि इस स्पेसिफिक वर्टेक्स से कितने एजिज जो है बाहर निकल रहे हैं कितने एजिज बाहर निकल रहे हैं आउट हो रहे हैं तो इसको कहते हैं आउट डिग्री अब देखें अगर मैं वर्टेक्स वन की बात करूँ तो वर्टेक्स वन की तरफ देखें एक एज आ रहा है सिर्फ ठीक है जबकि वर्टेक्स वन से कितने एज एज बाहर की तरफ निकल रहे हैं एक ये एज बाहर की तरफ निकल रहा है एक यहाँ से ये एज बाहर की, की तरफ निकल रहा है और एक ये आउट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि इन जो है वो सिर्फ एक ही एज हो रहा है जबकि थ्री एजिज जो है वो क्या हो रहे हैं आउट हो रहे हैं अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टेक्स थ्री के ऊपर कितने एजेस इन हो रहे हैं और कितने आउट हो रहे हैं तो आपको क्या ये देखो एक जो है वो इन हो रहा है वर्टेक्स थ्री के अंदर ये देखो ये मतलब एरो जो है वो थ्री की तरफ है तो जितने एरो थ्री की तरफ होते हैं जिन, जिन, जिन मतलब एरोज का अगर मूव थ्री की तरफ हो मतलब स्पेसिफिक वर्टेक्स की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं इन हो रहा है और अगर जो उसका फेस है एरो का अगर वो ऑपोजिट हो तो मतलब बाहर की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं आउट हो तो ये देखें एक यहाँ पे एज जो है वो थ्री की तरफ इन हो रहा है और जो एक है वो बाहर क्या हो रहा है आउट हो रहा है तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इन वन एंड आउट वन ऐसे अगर तो हम वर्टेक्स टू की बात करें तो वर्टेक्स टू में कितने एजिस जो है वो इन हो रहे हैं तो देखिए सिर्फ एक ही एज जो है वर्टेक्स टू में वर्टक टू टू की तरफ जो है वो इन हो रहा है जबकि तो आउट कितने हो रहे हैं आउट हो रहे हैं एक और ये दो तो ये देखिए ये लिखा हुआ है इन वन एंड आउट टू ऐसे ही फोर के अंदर कितने इन हो रहे हैं ये देखो ये इन एक इन हो रहा है ये दूसरा इन हो रहा है और ये तीसरा इन हो रहा है तो तीन इन हो गए आउट कोई हो रहा है नहीं आउट वर्टेक्स फोर के अंदर कोई भी एज जो है वो आउट नहीं हो रहा मतलब बाहर की तरफ नहीं जा रहा सो तो यहाँ पे आउट कितना हो गया ज़ीरो आ गया चले तो इस तरह से दोस्तों समझ आ उम्मीद आपको समझ आ गई होगी और वो कहता है जनाब इसकी हम समेशन कैसे लेते हैं मतलब ये जो इसका कार्डिनलिटी है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों हम एच की कार्डिनलिटी कार्टनैटी क्या इस तरह से निकालते हैं जो हमारे पास इन डिग्री वर्टेक्स होते हैं उनको और जो आउट डिग्री वर्टेक्स होते हैं उन, उनको आपस में अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है जनाब आ, आ, उसकी कार्डिनलिटी आ जाती है तो डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी आ जाती है और चलें बस इतना आपने ये फार्मूला बस, बस आप निकाल लेना है उसके बाद दोस्तों अगर हम इस ग्राफ की बात करें साइक्लिक इन इन इडारेक्टेड ग्राफ ये साइक्लिक साइकिलिक इडायरेक्टेड ग्राफ दोस्तों क्या होता है साइक्लिक ग्राफ, ग्राफ वो होता है दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया ना साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसमें आप जिस नोट से स्टार्ट करो अगर घूम के आप उसी नोट पर वापस आ जाओ तो साइकिल उसे हम साइकिल ग्राफ कहते हैं अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर कितने साइकिल बन रहे हैं तो आप कुछ इस तरह देखो अगर मैं दोस्तों पहला साइकिल अगर आपको बताऊँ तो देखो वन से आप थ्री पे जाओगे थ्री से आप फोर पे जाओगे फोर से आप टू पे जाओगे और टू से देखो फिर आप अगेन कहां पर जा रहे हो वन पे जा रहे हो तो देखो आपने वन से स्टार्ट किया था और घूम के देखो आप वन पे ही वापस आ गए हो तो मुझे बताओ आपने ये जो पहला साइकिल कंप्लीट किया है इसमें कौन कौन सी नोड इंक्लूड हुई हैं वन थ्री फोर टू एंड वन ठीक है तो ये देखेंगे साइकिल लिखा भी हो गया था ये साइकिल आपका कंप्लीट हुआ एक इस ए, पहले साइकिल के अंदर ये ये नोड इंक्लूड हुई है उसके बाद दोस्तों एक और इसका तरीका भी है वो क्या बोला ये देखो अगर आप वन से स्टार्ट करो और आप इस तरह चले वो मैं दोबारा से आपको दूसरा दूसरा जो साइकिल था वो बताता हूँ कैसे मैंने किया ये जो दूसरा साइकिल है इसने कैसे बनाया वो बताता हूँ आप तो पहले साइकिल की समझिए उम्मीद आपको आ गई होगी साइकिल साइकिल किसे कहते हैं वो तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि एक ऐसा ऐसा रास्ता जिसमें आप जिस नोट से वर्टेक्स से स्टार्ट करो उसी अगर घूम के उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाओ इसको हम साइकिल कहते हैं अब दूसरा साइकिल कैसे बनेगा देखो अगर आप दोस्तों वन से स्टार्ट करो तो वन से आप गए देखो ऐसे फोर की तरफ फोर से आप गए टू की तरफ टू से आप अगेन आ गए वन की तरफ तो इसमें कौन कौन सी नोड इंक्लूड हुई हैं वन फोर टू एंड अगेन वन तो ये देखो ये दूसरा साइकिल बन गया वन फोर टू एंड वन ठीक है अब चलें एक और साइकिल भी बन सकता है यहाँ पे एक और साइकिल भी बन सकता है तीसरा साइकिल भी एक अभी बनना है यहां पे देखो ये दो साइकिल हो गए अब तीसरा साइकिल कौन सा होगा यहाँ पे वो बता देता हूँ देखें ज़रा आपने वन से स्टार्ट किया वन से आप गए डायरेक्ट टू पे टू से आप अगेन वापस चले गए वन पे तो ये एक साइकिल ये होगा तो इसमें कौन कौन सी नोड इंक्लूड हुई है इसमें वन इंक्लूड हुआ है उसके बाद टू इंक्लूड हुआ है और फिर अगेन वन अगेन इंक्लूड हुआ है तो ये देखो वन टू वन तो ये आपके तीन साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं इस इस एक ग्राफ के अंदर तीन साइकिल बन रहे हैं समझ आ गई बात की चैलेंज ये भी आपको समझ आ गई अब दोस्तों आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्जेसेंसी मैट्रिक्स एंड अर्जेसेंसी लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी असाइनमेंट में भी आया हुआ था कि आपको ये इस तरह से ना पेपर में एक ग्राफ दिया जाएगा जैसे ये देखो ये एक ग्राफ दिया गया और इस ग्राफ के अंदर आपने इस ग्राफ को देखते हुए ना अर्जय अर्जय सेंसी मैट्रिक्स बनाना है और अर्जय सेंसी लिस्ट बनानी है अर्जय सेंसी दोस्तों मैट्रिक्स का तो इसमें आपने हर अर्जय वर्टेक्स को देखना है और उसका जो है ग्रा यहाँ पे आपने टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज पुट करनी है अगर तो दोस्तों उसका डायरेक्टेड डायरेक्टेड एज बन रहा होगा मतलब आप एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स की तरफ डायरेक्ट डायरेक्टली जा रहे होगे तो आप वन लिखोगे अगर आप इनडायरेक्टली जा रहे होगे तो आप जीरो लिखोगे तो चले करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये जनाब आपको इस तरह ये पेपर के अंदर इस तरह ग्राफ दिया जाएगा आपको तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी किसानी के लिए चले जी आपकी सानी के लिए थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया अब जरा अपनी गौर से देखना दोस्तों ये हम सब सबसे सब पहले बनाएंगे अर्जय मैट्रिक्स अर्जय मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं पहली चीज़ सुन सुनने सबसे पहले जो भी आपको ग्राफ गिवन होगा आपने देखना उस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं तो यहाँ पर देखें एक दो और तीन तीन वर्टेक्स टक्स हैं तो आपने क्या करना है जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको ग्राफ के अंदर गिवन होंगे उतनी आपने रोज एंड कॉलम बना लेने तो देखो तीन वर्टेक्स थे तो ये देखो मैंने तीन रोज बना ली एक दो और तीन और कॉलम भी देखो तीन बना लिए एक दो और तीन ठीक है इतने नंबर मतलब उतने नंबर ऑफ रोज़ और उतने तो नंबर ऑफ आपने कॉलम बना लिए जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स गिवन थे ग्राफ के अंदर अब सेकंड स्टेप क्या है सेकंड स्टेप ये है कि आपके हर वर्टेक्स में जो वैल्यू गिवन होगी ना वही वैल्यू आपने तरतीब से लिख लेनी है देखो पहले वर्टेक्स में वन था तो मैंने यहाँ पे पहली रो में भी वन लिख लिया पहले कॉलम में भी वन लिख लिया उसके बाद अगले वर्टेक्स में क्या लिखा हुआ था टू तो मैंने देखो दूसरी रो में भी टू लिख लिया और दूसरे कॉलम में भी टू लिख लिया तरतीब से उसके बाद मेरे पास वर्टेक्स में वैल्यू थी थ्री तो मैंने देखो रो नंबर थ्री में भी थ्री लिख लिया और रो नंबर थ्री कॉलम नंबर थ्री में भी थ्री लिख लिया अगर मान लो यहाँ पे दोस्तों इस तरह होता मान लो चलो मैं वो भी वो बता देता हूँ आपको अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे वैल्यू इस तरह से वन टू थ्री गिवन ना होती मान लो कुछ इस तरह से वैल्यू गिवन होती चलें फर्ज करें आपको दोस्तों यहाँ पे वैल्यू गिवन होती ए बी एंड सी तो फिर आपने बहुत कैसे लिखना था फिर आपने ऐसे लिखना था देखो पहले वर्टेक्स में क्या वैल्यू है ए तो आपने क्या करना था पहली रो के अंदर भी ए लिखना था और पहले कॉलम के अंदर भी ए लिखना था इस तरह से अगर यहाँ पे और दूसरी वैल्यू किया बी तो यहाँ पे आपने यहाँ पे भी बी लिखना था सॉरी ऐसे यहाँ पे बी और यहाँ पे भी दूसरे कॉलम में भी बी आ जाना है उसके बाद सी है तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा यहाँ पे भी सी आ जाना था और यहाँ पे भी सी आ जाना था तो यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या कर करते हैं उतनी रोज और उतने कॉलम बना लेते हैं जितने नंबर ऑफ़ वर्टेक्स हों उसके बाद उन वर्टेक्स में जो वैल्यू लिखी हो वही वैल्यू सेम एज इट इज़ जो लिखते है लिखते हैं रो के अंदर भी और कॉलम के अंदर भी समझ आ गई बात की चल जी तो ये भी आपको समझ आ गई है जी ये भी कंसर्ट मैंने क्लियर करा दिया कि लाजमी ने यहां पर वन टू थ्री वन टू थ्री ऐसे ही लिखना है कॉलम में रो में नहीं नहीं जो यहां पे वैल्यू वर्टेक्स में गिवन होगी वही सेम वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी होती है चलिए अब इसको करना कैसे है चले वो बताता हूँ सबसे पहले दोस्तों अब आपने क्या करना है सबसे पहले इस पहली रो को पकड़ना है आपने इस पहली रो को पकड़ना इसको पहले सॉल्व करना आपने तरतीब से तो पहली रो को मैंने पकड़ लिया तो पहली रो में क्या वैल्यू है वन तो मतलब मैं वर्टेक्स नंबर वन पर खड़ा हूं हो गया अब वर्टेक्स नंबर वन पर खड़ा हो गया मैंने क्या करना है मैंने वन बाई वन उनके कॉलम चेक करने हैं देखो मैं वन पे खड़ा हूँ वर्टेक्स वन पे खड़ा हूँ अब मैंने देखना क्या वर्टेक्स वन से वर्टेक्स वन की तरफ कोई लूप चल रही है मतलब कोई एज जा रहा है यस yes, देखो वर्टेक्स वन के ऊपर से एक लूप निकली मतलब एक एक एज निकला और वो घूम कर उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आ गया तो यस एक ऐसा एज यहाँ पे अवेलेबल है जो वर्टेक्स वन से निकला और वर्टेक्स वन पे ही वापस आ गया तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया वन लगा दिया क्यों वन लगाया क्योंकि दोस्तों उसने कहा था अगर आपका एक वर्टेक्स अपने साथ इट सेल्फ जुड़ा हो तो वहाँ पे आपने वन लगा देना है ठीक है यहाँ एक ऐसा एज जो जो अगर आपके जिस मतलब जिस वर्टेक्स को आप देख रहे हो रो के अंदर जिस नंबर वा, जिस वाले वर्टेक्स को आप देख रहे हो अगर वही सेम वर्टेक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जैसे यहाँ देखो वन है और यहाँ भी वन है तो यहाँ पर सेल्फ लूप पाई जा रही है अगर दोस्तों ये वैल्यू रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू अगर दोनों नंबर सेम हो तो फिर देखते हैं क्या यहाँ पे सेल्फ लूप पाई जा रही है अगर सेल्फ लूप पाई जा रही है तो यहाँ पे वन लगा देना है। अगर सेल्फ लूप यहाँ पे ना होती फर्स्ट करें यहाँ पे जैसे वन है ना तो वन के अंदर सेल्फ लूप ना होती तो फिर फिर भी यहाँ पे आपने जीरो लगा देना था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखें चले अगला आप करूँगा ना फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी चले अब देखें फिर आप अगेन नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या जी वन और कॉलम की वैल्यू क्या है टू मतलब अब आपने देखना है क्या वन से कोई एज टू की तरफ जा रहा है यस ये देखो वन से एक एज जो है वो टू की तरफ जा रहा है तो मतलब रो का मतलब होता है यहाँ से यहाँ से एज निकले और कॉलम की तरफ जा रहा हो तो मतलब आ, हमारे पास रो के अंदर वैल्यू है वन और कॉलम की कॉलम की वैल्यू क्या है टू तो आपने देखना कि आप वन से कोई एज टू की तरफ जा रहा है तो यस वन से टू की तरफ जा रहा है सो तो इसलिए हमने यहाँ पर वन लगा दिया ठीक है उसके बाद अब नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट अब हमारे पास वैल्यू है रो के अंदर वन और कॉलम के अंदर थ्री हमने देखना कि आप वन से कोई एज थ्री की तरफ जा रहा है यस ये देखें ये जनाब वन से थ्री की तरफ एज जा रहा है सो यहाँ पर लगा दिया वन तो पहले रो पूरी होगी अब आगे बात दूसरी रो की दूसरी रो पे चलते हैं अब दूसरी रो में वैल्यू क्या जी टू अब यानी आप वर्टेक्स नंबर टू पे खड़े हो गए हो अब वर्टेक्स नंबर टू पे खड़े हो गए आपने सारी चीजें देखनी है तो वर्टेक्स नंबर टू पे खड़े हो गए अब आपने देखना कि आप वर्टेक्स टू से वन वर्टेक्स वन की तरफ कोई एज जा रहा है तो नो no. दोस्तों यहाँ पे वर्टेक्स टू से वर्टेक्स वन की तरफ कोई एज नहीं जा रहा सो आ रहा है मतलब वन से टू की तरफ आ रहा है लेकिन टू से वन की तरफ नहीं जा रहा सो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया जीरो लगा दिया तो मैंने आपको कहा क्या कहा था भला कि जिस वर्टेक्स पे आप खड़े हो और जिस वर्टेक्स पे आपने जाना है वहाँ पे एक प्रॉपर एज लगाओ ठीक है जो जहाँ पे उस डायरेक्शन में जा रहा हो अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है जी टू एंड टू टू एंड टू का मतलब क्या है कि मतलब क्या वर्टेक्स वन वर्टेक्स टू से वर्टेक्स टू की तरफ ही कोई एज एज जा रहा है? मतलब घूम कर मतलब अगर मैंने आपको कर, अभी भी बताया था शॉर्ट का तरीका कि अगर वैल्यू सेम हो मतलब रो की वैल्यू और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू अगर सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये चेक करना होता है क्या इस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर कोई सेल्फ लूप लगी हुई है जैसे ये देखो वन पे वन पे वन पे सेल्फ लूप लगी हुई थी तो जिसका मतलब ये था कि वन से वन की तरफ ही एक एज जा रहा है वन से वन की तरफ एक एज जा रहा है अब यहाँ पे टू से टू की तरफ कोई एज जा रहा है नहीं तो यहाँ पे जीरो लगा दिया तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ रोप नहीं थी उसके बाद टू से थ्री की तरफ कोई एज जा रहा है यस ये देखो टू से थ्री की तरफ एज जा रहा है तो यहाँ पर हमने वन लगा दिया ऐसी बाकी भी आप अपने कहना इस आप इस रो में आ गए हो थ्री से वन की तरफ कोई एज जा रहा है तो थ्री से वन की तरफ दो, दोस्तों अगर आप गौर करो तो यहाँ पर कोई भी एज ऐसा नहीं है जो थ्री से वन की तरफ जा रहा हो तो यहाँ पर मैंने जीरो लगा दिया उसके बाद थ्री से टू की तरफ कोई एज जा रहा है यस ये देखो ये थ्री से टू की तरफ एज जा रहा है तो हमने यहाँ पर वन लगा दिया अब उसके बाद क्या थ्री से थ्री से थ्री की तरफ कोई एज जा रहा है मतलब थ्री से शुरू और थ्री पे ही एंड हो जाए नहीं तो उसका मतलब क्या मतलब सेल्फ लूप यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं पाई जा रही तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया समय की बात की चैलेंज तो ये थी अर्जेसेंसी मैट्रिक्स दोस्तों ऐसे बनाते हैं अब बात करते हैं अर्जेसेंसी लिस्ट की अर्जेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं बड़ा आसान है उसके अंदर दोस्तों सेम यही तरीका होता है कि आपने क्या करना नंबर ऑफ वर्ट, वर्टक्स देखने कितने तो यहाँ पर कितने वर्डक्स हैं एक दो तीन तो इस तरह आपने एक, एक ना ऐसे स्ट्रेट मतलब वर्टिकली मतलब एक मतलब बना लेना एक कॉलम जिसके अंदर कितनी रोज होंगी उतनी रोज होंगी जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्टक्स ना तो ये देखो मैंने एक कॉलम बना लिया ऐसे एक स्ट्रेट कॉलम देखो एक स्ट्रेट कॉलम बना लिया मैंने ऐसे और उसके अंदर जो है मैंने कितने कॉलम में लगा कितनी रो लगा दी तीन तीन क्यों लगाई क्योंकि जनाब यहाँ मेरे पास तीन वर्ड एक्स तो ये वन टू एंड थ्री यहाँ पे मैं, मैंने वन टू थ्री क्यों लिखा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैल्यू वन टू थ्री थी, थी। वन टू एंड थ्री अगर यहाँ पे मान लो ए बी सी होता है यहाँ पे ए बी सी तो फिर मैंने यहाँ लिखा ए यहाँ मैं लिखता बी यहाँ मैं लिखता सी ऐसे थे मैंने की बात की चलें तो अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रेज कर देता हूँ ये तो आपको पता लगे कि कैसे ये वाली चीज़ कैसे बनानी है अब दोस्तों आपने क्या करना अब आप यहाँ पे सबसे पहले आप खड़े हो वन पे ठीक है तो आपने वन पे वन पे खड़े हो दोस्तों तो दे, देखना है कि आप वन से कहाँ कहाँ जा सकते हो देखो आप वन से जो है वन पे आ सकते हो अब वन से जो है टू पे जा रहे हो अब वन से जो है थ्री पे चलें दोबारा इसको रिमूव करके यार बना के दिखाता हूँ आपको चलें दोबारा बना, बनाता हूँ यहाँ पे चलेंगे देखो जरा अगर आप वन पे खड़े हो मतलब यहाँ पे आप वन पे खड़े हो तो आप वन पे कहाँ कहाँ जा रहे हो एक तो आप वन से वन पे जा रहे हो ठीक है तो ये देखो मैंने वन के आगे बिल्कुल एक नोट बनाई इस तरह से एक मतलब नोट बनाई और उस नोट के अंदर लिख दिया वन के मैं वन से वन की तरफ जा रहा हूँ ठीक है इस तरह एक नोट बनाई ऐसे ही आपने पेपर में बनानी है ऐसे एरो लगाना है एरो हेड लगाना है और आगे बताना कि आप वन से वन की तरफ जा रहे हो उसके बाद आप वन से जो है वो टू की तरफ भी जा रहे हो सो तो आपने यहाँ पर देखो आगे मजीद हेड लगाया और आपने कहा मैं वन से टू की तरफ भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ उसके बाद ऐसे ही आप वन से और कहाँ जा रहे हो आप वन से थ्री की तरफ भी जा रहे हो सो यहाँ पर आपने टू से आगे थ्री लगा दिया आगे आप जा रहे हो कहीं और नहीं बस तीन ही तीन ही नोट तो यहाँ पे आगे देखो लास्ट नोट के अंदर ये आपने ऐसे स्लैश लगा दी जिसका मतलब ये है कि आप आगे नहीं जा सकते मतलब वन से आप वन पे जा, जा जा, रहे हो टू पे जा रहे हो और फिर थ्री पे जा रहे हो तो ऐसे सीक्वेंस है आपने अच्छा ये सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर सकते हो नहीं कि आपने ऐसे ही लिखना तो हमने बेसिकली वन टू थ्री ऐसे सीक्वेंस है क्यों लिखा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीबी दी हुई है ना इसलिए हमने वन टू थ्री लिख दिया आप चाहो तो आप इस तरह थ्री टू वन भी लिख सकते थे कोई इशू वाली बात नहीं है लेकिन अच्छी बात यह कि आप जो है तरतीब से वैल्यूज को लिखा करो मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब के साथ उसके बाद अब दोस्तों अगर हम टू टू की बात करें तो अगर दोस्तों नोट नंबर टू पर खड़े हों नोट नंबर टू पर अगर हम खड़े हों तो यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं यहाँ से हम सिर्फ दोस्तों थ्री पे जा रहे हैं तो इसलिए देखें ये इसी लिख दिया टू से आगे देखो एरोड लगाया उसने बताया कि हम टू से कहाँ जा सकते हैं थ्री की तरफ जा सकते हैं उसके बाद अब अगर हम थ्री पे खड़े हों तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं दोस्तों हम थ्री पे खड़े होकर सिर्फ टू की तरफ जा रहे हैं देखो ये एरोड टू की तरफ लगा हुआ है तो हम थ्री से जो है टू की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि थ्री से हम टू की तरफ जा सकते हैं तो ये देखो ये ये होती है दोस्तों एडजेसेंसी लिस्ट तो उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी चलिए नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी ग्राफ ट्रैवर्सल ग्राफ ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है ग्राफ ट्रैवर्सल का मतलब होता है दो चीज़ें पहला आपके ग्राफ के अंदर मौजूद हर वर्टेक्स को विज़िट करना और हर वर्टेक्स को एक्सप्लोर करना दोबारा बता देता हूँ ग्राफ ट्रेवर्सल का मतलब होता है ग्राफ को ग्राफ के अंदर हर नोड को विजिट करना और हर नोड को एक्सप्लोर करना तो यहाँ पर देखें वैर जी इंटू वी कॉमा ई वी मीन वर्टेक्स ई मीन एज इज एंड अ सोर्स वर्टेक्स एस बिलोंग्स टू वी सोर्स वर्टेक्स किसे कहते हैं दोस्तों सोर्स वर्टेक्स वो होता है जहां से आप विजिटिंग स्टार्ट करते हो मान लो जैसे मैं यहां पे बताता हूं और और ये एक चीज बता रहा है वो कहता है जो सोर्स वर्टेक्स है वो होगा हो ना आपका वो बिलोंग कहां से कर रहा होगा वी से वी मीन एनी वर्टेक्स कहता है वो ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स से क्या कर रहा होगा बिलोंग्स कर रहा होगा तो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी क्या बताया सोर्स वर्टेक्स क्या होता है जहाँ से आप स्टार्ट मतलब विजिटिंग स्टार्ट करते हो जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर चार वर्टेक्स है एक ये एस है एक वी है एक यू है एक डब्ल्यू है मान लो अगर मैं सबसे पहले वर्टेक्स एस एस को विजिट करूँ तो इसका मतलब मेरा सोर्स वर्टेक्स क्या होगा मेरा सोर्स वर्टेक्स एस है मेरा सोर्स वर्टेक्स क्या है एस है और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये सोर्स वर्टेक्स मेरे मेरे एक वर्टेक्स से बिलोंग कर रहा है ये देखो मेरे ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स है जहाँ से ये जहाँ जहाँ से ये सोर्स जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है किसी वर्टेक्स में तो यही उसने बात कही थी कि आपका जो भी सोर्स होगा ग्राफ के अंदर जो भी आपका सोर्स यानी एस होगा वो बिलोंग कर रहा होगा किसी ना किसी वर्टेक्स से तो यही अभी मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि जहाँ से मैं जा... और सोर्स वर्टेक्स किसे कहते हैं जहाँ से आप विजटिंग स्टार्ट करते हो अब इस तरह मान लो अगर मैं वी से विस्जिंग स्टार्ट करूँ तो इसका मतलब फिर, फिर, अभर... फिर अभर मेरा सोर्स क्या होगा फिर फिर मेरा सोर्स जो है वो वी होगा ऐसे ही दोस्तों अगर मैं विजटिंग जहाँ से स्टार्ट करूँ यू से तो फिर मेरा सोर्स क्या होगा यू होगा हो अगर मैं विजटिंग जो है डब्ल्यू से स्टार्ट करूँ तो फिर मेरा मेरा सोर्स क्या होगा डब्ल्यू होगा समझ आ गई बात की तो इस तरह दोस्तों हम सोर्स जो है मैं आपको बता दी सोर्स किसे कहते हैं अब बात करते हैं जो मैं हमने अभी, अभी अभी आपको बताया था कि आपके किसी भी ग्राफ के अंदर ग्राफ ट्रेवर्सल का मतलब होता है दो चीज़ें आपके ग्राफ के अंदर मौजूद हर नोट को विजिट करना सेकेंड हर नोट को एक्सप्लोर करना अब बात करते हैं ये विजिट और एक्सप्लोर में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों और जब आप किसी भी ग्राफ के अंदर मौजूद तमाम के तमाम नोड्स यानी वर्टेक्स को विजिट और एक्सप्लोर कर लेते हो तो हम कहते हैं कि हमने ग्राफ क्या कर लिया है ट्रेवर्स कर लिया है विजिट कर लिया अब यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है ये जो ग्राफ आपके सामने गिवन है ना ये ग्राफ एक फुली कनेक्टेड ग्राफ है दोस्तों ये फुली कनेक्टेड ग्राफ को हम बेसिकली कंप्लीट ग्राफ भी कहते हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो उसमें आ, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ग्राफ के अंदर कि एक टाइप्स ऑफ ग्राफ की एक टाइप होती है कंप्लीट ग्राफ दोस्तों उस कंप्लीट ग्राफ को हम फुली कनेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं सो कंप्लीट ग्राफ या फुल कनेक्टेड ग्राफ दोस्तों कौन सा होता है एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स अपने अलावा बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है जैसे देखो ये एस एन आई ये एस देखो वी से भी कनेक्ट है ये एस यू से भी कनेक्ट है और ये एस जो है डब्ल्यू से भी कनेक्ट है सो so, यही तो मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है ऐसे ग्राफ को हम फुली कनेक्टेड ग्राफ या फिर कंप्लीट ग्राफ कहते हैं समझ लगी बात की चलें अब मैं आपको ये बताना बताने लगा था कि ये विज़िट और एक्सप्लोर में क्या डिफरेंस होता है क्या मैंने अभी भी बताया था कि हम दो किसी भी ग्राफ को ट्रैवल्स करने के दो दो चीज़ें करते हैं एक तो हम उसको विजिट करते हैं और एक हम उसके हर वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों विजिट का मतलब होता है किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स पे पहुंचना जैसे मान लो मैं एस पे पहुंचा ना तो मैंने कहा मैंने एस को विज़िट कर लिया एस जब मैं वी पे पहुंचूंगा मैंने कहा मैं वी को विज़िट कर लिया तो मतलब किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स पे जाना उस पे पहुंचना विजिट कहलाता है ऐसे में यू पे पहुंचा तो मैंने कहा मैंने यू को विजिट कर दिया ऐसे ही मैं डब्ल्यू पे पहुंचा तो मैंने कहा मैंने डब्ल्यू को विजिट कर दिया अब बात करते हैं विजिट की तो हमें समझ आ गई कि किसी भी वर्टेक्स पे पहुंचना पहुँचना विजिट कहलाता है अब जनाब ये एक्सप्लोर क्या होता है एक्सप्लोर दोस्तों क्या होता है कि जिस नोट पर आप पहुँचे हो या जिस वर्टेक्स पे पर आप खड़े हो उस वर्टेक्स को आगे एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि देखना कि उस वर्टेक्स के साथ कौन कौन कनेक्टेड है मतलब उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं जैसे देखो अगर मैं यू पे खड़ा हूँ तो उसका मतलब मैंने यू को क्या कर दिया है विजिट कर दिया अब इसको एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है इसको एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि यू के कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं अब मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेसेंट वर्टेक्स बताने की जरूरत नहीं है चले रिपीट कर देता हूँ और जैसे वर्ड टो पता है ना वो होते हैं जो आपके इस स्पेसिफिक वर्टेक्स टेक्स जिस पर आप खड़े हो उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं देखो यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एस भी है यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड वी भी है यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड डब्ल्यू भी है तो ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली यू को एक्सप्लोर कर रहे हो कि मतलब उसके साथ कौन कौन से वर्टेक्स जो हैं वो क्या है जी डायरेक्टली कनेक्टेड है मतलब कौन कौन से वर्टेक्स जो हैं यू के एडजेसेंट वर्टेक्स है तो जब आप किसी वर्टेक्स पे पहुँचते हो तो उसको हम कहते हैं हमने इसको विजिट किया और जब आप आगे उस वर्टेक्स को मजीद देखते हो कि इसके कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं तो हम कहते हैं इस वर्टेक्स को हम क्या कह हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक्सप्लोर करना और विजिट करने में क्या डिफरेंस होता है चलिए जी उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों वगैरह के अभी भी मैंने आपको बताया कि आप ग्राफ को क्या करोगे ट्रैवर्स करोगे अब ट्रैवर्स करने के अंदर अंदर आप दो चीज़ें करते हो वो मैंने आपको बता दिया विजिट करते हो और एक्सप्लोर करते हो हर वर्टेक्स को उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स करने के दोस्तों दो वैसे तो बड़े से तो तरीके हैं लेकिन इसमें दो मेन एलगोरिदम है दो मेन स्ट्रेटजीज हैं पहली स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों ब्रेड फर्स्ट सर्च जिसको हम शॉर्टली दोस्तों बी एफ एस भी करते हैं कि इम्पॉर्टेंट एमसी को आपको आ सकता है कि बताओ जी ब्रेथ फेस्ट ब्रेथ ब्रेथ फर्स्ट सर्च का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है बी एफ एस ब्रेथ फर्स्ट सर्च या इसका आपको स्टैंड फॉर भी पेपर में आ सकता है कि बी एफ एस स्टैंड फॉर तो आपने कहना ब्रेथ फर्स्ट सर्च ठीक है और इसका दूसरा जो एल्गोरिथम होता है दो जो जो दूसरी टेक्निक है ग्राफ को ट्रेवर्स करने की उसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है जी तो ये दो दोस्तों इंपॉर्टेंट टेक्निक वैसे तो बड़ी सी टेक्नीस हैं ग्राफ को ट्रैवल करने की लेकिन ये दो मेन टेक्नीस हैं एक का नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक का नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च तो पहले आज हम बात करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च की दोस्तों ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है ये कैसे सर्च करता है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं तो यहां पर देखें छोटी सी आपको पहले जो है ना कंसेप्ट बताता हूँ देख दोस्तों मान लो ये आपके पास एक ग्राफ है ये वैसे एक ट्री भी है और एक ट्री जो है वो ग्राफ भी हो सकता है सो तो ये ग्राफ है और दोस्तों इस ग्राफ के अंदर अगर आपको मैं कहूँ कि इसके ऊपर ब्रथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करो तो ब्रथ फर्स्ट सर्च अपलाई क्या होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये होती है सबसे पहले आप जहाँ से आपने जिस भी नोट स्टार्ट करना है उस नोट से स्टार्ट करोगे उसके बाद आप उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं फिर फिर उसको विजिट करोगे तरतीब के साथ तो ये देखो इस नोड इस जो वर्ड है या जो ये जो नोड है इसके आगे मजीद चिल्ड्रन कौन से थे ये तीन थे ये देखो ये ये था और ये था तो मैंने पहले उनको विजिट किया फिर देन अगेन क्या करोगे फिर उसके बाद आप इनके मजीद चिल्ड्रन है उनको विजिट करोगे तरतीब के साथ तो ऐसे ऐसे तो मतलब एक ऐसा सर्चिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक जिसके अंदर आप बेसिकली ऐसे लेवल वाइज चलते हो ऐसे लेवल वाइज मतलब पहले लेवल पूरा किया फिर दूसरे लेवल पे आए फिर आप अगेन दूसरे लेवल को पूरा करके फिर आप तीसरे लेवल पे जाओगे तो मतलब जब इस तरह लेवल बाय लेवल चलते हो ना तो इसको हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च ठीक है जी चलें जी तो इसको हम करते हैं अब बंद ओके जी नेक्स्ट दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पहले सिखा देता हूँ कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कै की अब कैसे की जाती है तो दोस्तों इसको करने के आपको दो सिनेरियो आ सकते हैं पेपर के अंदर पहला ये आ सकता है कि आपको इस तरह से ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ के हर वर्टेक्स के अंदर इस तरह कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी तो अगर दोस्तों आपका आपको पेपर के अंदर एक ऐसा ग्राफ मिलता है जिस ग्राफ के अंदर इस तरह वैल्यू अगर हर वर्टेक्स के अंदर लिखी हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं और अगर आपको पेपर के अंदर कुछ हिस्सा इस तरह ग्राफ दिया जाए मान लो जिसके अंदर वैल्यू वर्टेक्स के अंदर वैल्यू नहीं नहीं दी गई जैसे ये देखो ये देखो ये एक ऐसा ग्राफ है मानो कुछ इस तरह से आपको आपको पेपर के अंदर ग्राफ दिया जाए और कहा जाए कि इस ग्राफ के ऊपर ट्रेवरसलिंग करो यूजिंग बी मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे तो दोनों तरीके से समझाता हूँ ठीक है तो पहले ये वाला समझते हैं कि अगर इस तरह वैल्यू गिवन हो तो फिर इसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक सोर्स वर्टेक्स होगा सोर्स वर्टेक्स मैंने अभी, अभी 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 आपको बताया था कि वो वर्टेक्स जहां से आपने ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करनी है तो जैसे यहां पर देखो सर ने खुद बता दिया सर कहते हैं ये वर्टेक्स है सोर्स वर्टेक्स मतलब जहां से अपनी वेस्टिंग स्टार्ट करनी है लेकिन यहां पर इस ग्राफ के अंदर देखो आपको नहीं बताया गया तो अगर तो पेपर के अंदर आपको बताया जाए कि आपका सोर्स वर्टेक्स ये वाला है तो फिर आपने वहीं से स्टार्ट करना जैसे यहां पर ने स्पेसिफिक बता दिया है ठीक है लेकिन अगर दोस्तों नाम ना भी आपको बताया जाए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है आप जिस मर्जी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो तो मान लो मैंने वर्टेक्स वन से स्टार्ट कर दिया जैसे ही दोस्तों मैंने वर्टेक्स वन से स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या मैंने वन को क्या कर दिया है विजिट कर दिया तो जैसे ही आपने किसी को विजिट करना तो उसको फ़ौरन से आपने ऐसे लिख लेना तो मैंने वन को क्या कर लिया जी विजिट कर लिया समझ आएगी बात की उसके बाद उसने कर, क्या क्या कहा था बोला कि जब आप किसी नोट को विजिट करोगे सॉरी किसी वर्टेक्स को विजिट करोगे देन आपने उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर फिर देन क्या करना है दूसरा काम क्या करना है उस वर्टेक्स को आपने एक्सप्लोर करना है कि उसके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं मतलब उसके एडजेशन वर्टेक्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर दोस्तों वन का जो एडजेशन वर्टेक्स है वो है टू है और थ्री है तो इसका मतलब तो क्या है कि आपने जैसे वन को ट्रेवल मतलब विज़िट किया उसके बाद आपने जब उसको एक्सप्लोर किया तो आपको क्या वैल्यू मिली आपको दो नो वर्टेक्स मिले एक टू एंड थ्री आप उसको लिख लो क्योंकि अब आप आपने टू और थ्री को विज़िट कर दिया तो जैसे आप दोस्तों अब अब देखो जिस जिस आपने आ, उसके वन के जिस जिस एडजेसेंट वर्टेक्स को आप विज़िट कर रहे हो तो वो कौन कौन से हैं टू टू एंड थ्री हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख आप इस तरह टू एंड थ्री भी लिख सकते हो और आप थ्री एंड टू भी लिख सकते हो आपकी मर्जी अच्छा ये लाजमी नहीं है कि मतलब टू पहले आएगा थ्री बाद में आएगा नहीं नहीं आप थ्री को पहले लिख सकते हो और टू को बाद में लिख सकते हो तो ये कितना कोई इशू वाली बात नहीं होती है समझ आएगी बात की तो चले जी तो यहाँ पे देखो मैंने अब किस को, किस को विजिट कर लिया मैंने वन को विजिट कर लिया टू को विजिट कर लिया एंड थ्री को विजिट कर लिया लेकिन एक्सप्लोर मैंने किसको किया एक्सप्लोर अभी सिर्फ मैंने वन को किया क्योंकि जिसको एक्सप्लोर करें उसके ही चिल्ड्रन लिखे लिखे जाते हैं तो मैंने वन को क्या कर दिया एक्सप्लोर किया वन को एक्सप्लोर किया तो मैंने आगे उसके चिल्ड्रन लिखे हैं ना टू एंड थ्री ठीक है जी अब दोस्तों नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट वन को मैंने एक्सप्लोर कर लिया अब अपने ऐसे जैसे हमने लिखा ना तरतीब से ऐसे अपने अपनी तरतीब से चलते जाना वन एक्सप्लोर हो गया अब आप किसको एक्सप्लोर करोगे टू को तो अब आप टू को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो पहले आपने टू को जब विजिट जैसे किया तो उसको फ़ौरन से अपनी स्टेटमेंट के अंदर मतलब अपनी सोलूशन के अंदर लिख लेते हैं कि मैंने टू को विजिट कर लिया थ्री को विजिट कर लिया अब आपने एक्सप्लोर कर किस करना है टू को तो टू को एक्सप्लोर जब मैंने किया तो टू का एडिएशन कौन है फोर और वन वन चूंकि ऑलरेडी मैंने विजिट किया हुआ है सो अब मैं विजिट करूँगा फोर को तो जैसे ही फोर को विजिट किया तो यहाँ पर आप लिख लेना फोर फोर लिख लिया चलें जी उसके बाद देखें टू को हमने एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि टू को एक्सप्लोर किया तो हमने ये फोर लिखा ना अब जिसको एक्सप्लोर कर लेते हैं ना फिर उसको छो उसके न, उसके आगे वाले फिर मतलब वर्टेक्स को देखते हैं तो अब नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा थ्री तो अब आप थ्री को एक्सप्लोर करो जैसे ही उसमें मैंने थ्री को एक्सप्लोर करने लगा थ्री के कौन कौन से मतलब आपके पास वो हैं जी एडजेसेंट है थ्री का एक अरजेसेंट वन है एक अरजेसन फोर है और एक अर जेसन सेवन है तो मैंने वन ऑलरेडी देखें विजिट किया हुआ है उसको जिसको एक दफा विजिट कर लेते हैं ना उसको दोबारा विजिट नहीं करते तो मैंने वन ऑलरेडी विजिट किया हुआ है उसके बाद थ्री का अर्जेसेंट है फोर तो फोर भी मैंने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है उसके बाद थ्री का अर्जेसेंट है जी सेवन तो मैं अब जो है सेवन को विजिट करूँगा तो यहाँ मैंने लिख दिया सेवन जैसे किसी को विजिट करें फोन से उसको लिख लेते हैं चलें जी लिख लिया चलें तो थ्री भी मैंने क्या कर लिया एक्सप्लोर कर लिया अब थ्री के बाद नेक्स्ट कौन सा जी फोर तो फोर को एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे फोर को एक्सप्लोर करेंगे तो फोर के एडेशन कौन कौन से हैं टू है थ्री है, है और फाइव है और सिक्स है तो टू हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है थ्री हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है अब हम किसको विजिट करेंगे फाइव को और सिक्स को तो मैंने यहाँ लिख दिया फाइव एंड सिक्स फाइव और सिक्स ये दो उसके एडजेसेंट थे तो आप इसको सिक्स एंड फाइव भी लिख सकते हैं कोई इशू वाली बात नहीं मतलब आप सिक्स पहले लिख लो फाइव बाद में लिख लो कोई कोई टेंशन नहीं है चलिए फाइव हमने सिक्स लिख लिया ओके जी दे दोस्तों उसके बाद हमने फोर फोर को एक्सप्लोर कर लिया अब हम एक्सप्लोर करेंगे सेवन को तो सेवन को जब एक्सप्लोर किया तो सेवन का सिर्फ एक ही एडजेसेंट था थ्री तो थ्री हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है सो नेक्स्ट हम चलेंगे सेवन के बाद नेक्स्ट क्या जी फाइव फाइव को एक्सप्लोर करेंगे फाइव का देखेंगे क्या कोई एडजेसेंट है यस yes, फोर था तो फोर हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है उसके बाद फाइव के बाद क्या सिक्स तो सिक्स देखेंगे क्या सिक्स का कोई सिक्स को एक्सप्लोर करेंगे अब तो सिक्स का क्या कोई एडजिस्टेंट है यस yes, फोर्थ था तो फोर हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है सो so, अब नेक्स्ट जो है कोई नेक्स्ट सिक्स के बाद कोई भी नहीं है तो लिखा दोस्तों यही आपका सोल्यूशन है देखें अगर हम इस ग्राफ के ऊपर बी एफ एस ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करते या कर, करेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा ये आएगा वन टू थ्री फोर सेवन फाइव सिक्स और इसका दूसरा सोल्यूशन ये भी बन सकता था वन अगर मतलब मान लो आप यहाँ पे थ्री पहले विजिट करते टू बाद में विजिट करते तो आप इस तरह लिखते इसको वन थ्री टू फोर सेवन और उसके बाद यहाँ पे फाइव सिक्स मैंने लिखा तो आप इस तरह सिक्स फाइव लिख सकते मतलब पहले आप लिखते थे वाले कहते हैं मैंने पहले सिक्स को विजिट किया फिर फाइव को विजिट किया तो आप इस तरह भी इसका सोल्यूशन मान सकता था ठीक है तो मतलब कहने का ये लेकिन हाँ सोल्यूशन दोस्तों इसका अभी एक और भी मान सकता है वो कैसे बता वन थ्री टू एंड फोर सेवन और फाइव सिक्स इस तरह भी बन सकता हैं तो मतलब कहने का ये है कि इसके सोलूशन जो है वो डिफरेंट बन सकते हैं आपके विजिटिंग के अकॉर्डिंग मतलब जिस जिस को आपने पहले विजिट किया वो पहले आ जाएगा सोलूशन के अंदर लेकिन कहने का मतलब ये सोल्यूशन आपका बिल्कुल ठीक हो आप जैसे जैसे देखो ये भी मेरा सोलूशन बिल्कुल ठीक है हंड्रेड परसेंट और ये मेरा सोलूशन हंड्रेड परसेंट ठीक है क्योंकि मैंने बिल्कुल बी एफ एस के रूल्स को फॉलो किया चलिए अब चलते हैं दोस्तों हैंड ओवर के ऊपर देखते हैं अगर आपको ग्राफ इस तरह से इस तरह से गिवन हो तो इस ग्राफ को किस तरह से जो है ट्रैवल्स करते हैं तो उसको देख लेते हैं चलें जी सबसे पहले सर ने यहाँ पे मैं सोर्स भी बताया होगा कि आपने सोर्स आपका ये है आपने यहाँ से जो है वो स्टार्ट करना है इस जगह से ठीक है तो देखें सबसे पहले दोस्तों हमने इस सोर्स को जब विज़िट किया तो ये हमारा हो गया जनाब फ़र्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप फर्स के अंदर हमने जो है वो इसको विजिट किया है दोबारा से बता देता हूँ आपको यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पर दोस्तों जिस जिसको आप विजिट करते जाएंगे ना उसके ऊपर आपने नंबरिंग करते जाना है तो मैंने सबसे पहले वन के ऊपर जो है मैंने इसको विजिट किया है ठीक है उसके बाद यार ये क्या वन सही नहीं लग रहा दोबारा लगाता हूँ ओके वन के ऊपर मैंने इसको विजिट किया उसके बाद ये जो आपका ये वर्टेक्स जिसको हमने अभी अभी विजिट किया है इसको टिक भी कर देता हूँ ओके इसके अब हमने क्या चेक करने हैं इसकी एडजेशन चेक करनी है तो इसका एक एडजेशन देखो ये वाला ये देखो ये लाइन ऐसे आ रही है ना तो ये लाइन ऐसे जा रही है देखो ये तो ये इसका हो गया एक अर्जेशन इसको भी हमने विजिट कर लिया तो इसको भी मैंने किस स्टेप पर विजिट किया स्टेप नंबर वन के ऊपर तो जिस मतलब जो जो उसकी एडजेशन है ना उसके ऊपर आप वन वन लिखोगे मतलब जिस भी आप नो अभी अभी भी अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिस वर्टेक्स को आप विजिट करते हो देन उसको एक्सप्लोर भी साथ ही करते हैं उसको साथ ही एक्सप्लोर भी करते हैं कि उसके कौन कौन से रेसेंट है तो यहाँ पे जिसको आपने विजिट करके एक्सप्लोर करना उसके तमाम के तमाम चिल्ड्रन के ऊपर आपने वही सेम स्टेप लिखना है जो स्टेप आपने अपने पेरेंट नोड के वाइटेस के ऊपर लिखा है तो मतलब मेरी पेरेंट वर्टेक्स ये था ना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो उसके ऊपर मैंने वन मैंने वन लिखा है सो अब इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना उनके ऊपर भी वन आएगा सो अब नेक्स्ट इसका और कौन सा अर्जिएसन है इसका एक एडजेशन ये भी है ये देखो ये वाला सो इसके ऊपर भी हम क्या लिखेंगे वन लिखेंगे कि हमने इसको भी वन स्टेप वन के ऊपर जो है विजिट कर दिया उसके बाद इसका और अर्जिएसन कौन सा इसका एक एडजेशन ये देखो ये भी है तो इसको मैंने ऐसे टिक कर दिया कि मैंने इसको भी विजिट कर लिया और किस स्टेप के ऊपर विजिट किया सेम वही स्टेप आपने लिखना है जो स्टेप आपके पेरेंट का होगा तो यहाँ पर पेरेंट का स्टेप वन था तो अब इसके ऊपर भी देखें वन आया इसके ऊपर भी वन आ गया और इसके ऊपर भी वन आ गया तो यानी हमने स्टेप नंबर वन के अंदर इन चार नोट्स को क्या कर दिया है विजिट कर दिया अब जिन नोट्स को आपने विजिट किया उसको ऐसे आप सर्कल कर लोगे मैंने इन नोट्स को विजिट कर लिया और आगे नेक्स्ट आपको दिखा भी देता हूँ ये देखो सर ने भी ऐसे स्टेप नंबर वन के अंदर ये देखो जिनको विजिट सबसे पहले ये देखो इसको विजिट किया देखो इसके ऊपर वन लगा दिया इसको विजिट किया इसके ऊपर वन इसको विजिट किया इसको भी विजिट किया देखो इनको सर्कल कर लिया ऐसे कि मैंने इन चार नोट्स को विजिट कर लिया स्टेप नंबर वन के ऊपर अब स्टेप नंबर टू के ऊपर आप क्या करोगे स्टेप नंबर टू के ऊपर ये जो नोट्स आपने ये विजिट किए ना इन नोट्स से आगे फर्दर आगे जो एडजेशन है ना उनको आप देखोगे अब देखो जैसे फर्ज करोगे मैं इसकी बात करूँ तो ये मान लो ये स्टेप नंबर टू अब करने जा रहा हूँ मैं सो इसका अब नेक्स्ट एडजेशन कौन है इसका एडजेशन दोस्तों ये वाला सो इसके ऊपर टिक करो और इसके ऊपर टू लिख दो स्टेप नंबर टू के ऊपर इसको मैंने विजिट किया उसके बाद इसका अब मतलब जितने अब जिस जिस नोड को आपने ऑलरेडी विजिट किया हो ना उसके एडजेशन सारे देखने आपने उनके ऊपर टू टूल लगाते जाओ अब देखो इसका एडजेसन था ये वाला इसको मैंने टूल लगा दिया इसको विजिट किया टूल लगा दिया अब इसका एडिएशन और कौन सा ये वाला ये देखो ये वाला ये ऐसे जा रहा है सो ये भी इसका एडजेशन है इसको मैंने ऐसे टूल लगा दिया अब इसका एडेशन और कौन सा ये वाला जब तक मतलब आप जिन जिन को आपने विजिट ऑलरेडी किया हुआ है मतलब इसको और इसको और इसको अब इन तीनों के आपने एडजेसेंट सारे एक ही दफ़ा देखने हैं ठीक है जी ओके जी अब दोस्तों इसका ये वाला भी हमने विजिट कर लिया ये वाला भी कर लिया और ये अब ये वाला भी कर लिया तो इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया टू लिख दिया मुझे बताओ क्या इसके और कोई एडजेशन है ये वाला था ये हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है ठीक है ओके जी अब बात करते हैं इसकी इसका एडजस्टन एडजेशन कौन कौन सा इसका एडजेशन एक ये वाला है सो इसके ऊपर भी आप टू लिखोगे क्योंकि तो अभी ये सेम स्टेप नंबर टू ही चल रहा है ना मैंने आपको अभी भी क्या कहा था जिस जिस नोड को आपने अभी भी, भी विजिट किया उसके जितने उन तमाम नोड्स के जितने भी एडजेसेंट्स हैं उनके ऊपर आपने आप स्टेप नंबर टू ही लिखना है ठीक है उसके बाद दोस्तों इसका एडजेशन नोट को और कौन सा जिसको आपने ऑलरेडी विजिट नहीं किया हुआ वा? ये वाला ये देखो इसको मैंने स्टिक किया और इसको ऊपर ऐसे टू लिख दिया ठीक है जी उसके बाद इसका एडजेशन और कोई है नहीं और कोई ऐसा नहीं है मतलब एक ये वाला था लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है ओके जी उसके बाद दोस्तों अब इसकी बारी ये जो आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ था अब इसका एडेशन कौन कौन सा इसका एडेशन एक ये वाला है सो इसके ऊपर ऐसे मैंने टू लिख दिया और इसका एडेशन कौन सा ये वाला लेकिन आरे ये ऑलरेडी विजिट है उसके बाद विजिटेड है मतलब उसके बाद इसका एडेशन एक ये वाला है ये वाला लेकिन ये भी ऑलरेडी विजिटेड है इसका एडजेशन एक ये वाला था ये भी ऑलरेडी विजिटेड है और ये वाला ये भी ऑलरेडी विजिटेड है तो इसका मतलब अब बस इतनी बस एडजेशन थे अब जिस चीज़ के ऊपर टू लगा हुआ ना उसको वैसे आप ऐसे सर्कल कर लो तो यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसे आपने जिस चीज़ को सिर्फ विजिट किया उसको सिर्फ इंक्लूड करना अपने सर्कल के अंदर सब को इंक्लूड नहीं करना तो ये देखो जिस जिसको मैंने विजिट किया था मैंने उसको सर्कल हाईलाइट कर दिया और देखो नेक्स्ट स्टेप में सर ने यही बताया दिखाऊँ आपको ये देखो सर ने कहा मैंने स्टेप नंबर टू के अंदर इसको 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 और इसको विजिट कर दिया लिख लिया अब बाकी जो रिमेनिंग बच बाचिगियाँ हैं जिन जिनको आपने विजिट किया उनके अब अपने एडजेशन चेक कर दें तो स्टेप अब आपने किन किन के एडजेशन चेक करने हैं जिनको आपने स्टेप नंबर टू के ऊपर विजिट किया क्योंकि स्टेप नंबर वन के ऑलरेडी हमने एडजेशन चेक कर दी हूँ मैं ठीक है अब अपने जिन जिन को स्टेप नंबर टू के ऊपर विजिट किया ना उनके एडिएशन चेक करें तो अगर दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो इसका एडजशन एक ये वाला है ठीक है तो इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे मैंने लिख दिया थ्री उसके बाद इसका एडजेशन एक ये वाला है इसके ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया थ्री ठीक है उसके बाद इसका ऑर्जेशन एक ये वाला है लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है उसके बाद अब बात करते हैं इसकी तो इसका एडजेशन एक ये वाला था लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है उसके बाद इसका एडजेशन ये वाला ये वाला लेकिन ये सारी विस्ट्रीड है ऑलरेडी अब बात दोस्तों दोस्तों का कर नाम करें इसकी तो इसका ऑर्डिशन एक ये वाला है सो तो इसके ऊपर हम लिख देंगे थ्री ठीक है उसके बाद इसका ऑडिजिएशन ये वाला लेकिन ये ऑलरेडी है अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑर्डिशन ये वाला है ठीक है जी और इसके ऊपर हम इस तरह लिख देंगे थ्री ठीक है जी उसके तो बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑडिएशन एक ये वाला था लेकिन ये ऑलरेडी विस्ट्रीड है इसका एक एडजेशन ये वाला है और इसके ऊपर भी हम लिख देंगे इस तरह से थ्री उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका एजिस्ट ये वाला था लेकिन ये ले ऑलरेडी विजिटेड है ये ऑलरेडी विजिटेड है उसको उसको हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे सो इस तरह देखो हमने जितनी भी नोट थी सबको विजिट कर दिया है अब यहाँ पर कोई भी ऐसी नोट नहीं है जिसको हमने मजीद ट्रेवल्स करना हो या मजीद जो है वो विजिट एक्सप्लोर करना हो हाँ आप ये जो जिनको अभी अभी आपने स्टेप नंबर थ्री के ऊपर विजिट किया है इनको आप मज़ीद एक्सप्लोर करोगे लेकिन अब जब उनको मज़ीद एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पर देखें अभी कोई भी उनका एडिस्ट ऐसा नहीं है जो बच रहा हो सो यहाँ पर अब आप सर्कल कर दोगे इस तरह से इस तरह से आप सर्कल कर दोगे स्टेप नंबर थ्री के ऊपर ऐसे तो ये आपका स्टेप स्टेप नंबर थ्री के अंदर इन सबको अपने ट्रेवर्स किया तो ये देखो जनाब नेक्स्ट ये देखो जरा ये बैरूनी सर्कल बनाऊंगा पूरे का पूरा ये देख हो समझ आ गई बात की तो इस तरह देखो दो दोस्तों हमने क्या कि ये सबको ट्रेवर्स किए कर लिया है अब जिनको आपने स्टेप नंबर थ्री के ऊपर ट्रेवर्स किया सॉरी विजिट किया इनको अब आप मजीद स्टेप नंबर फोर के ऊपर क्या करोगे एक्सप्लोर करोगे और देखो क्या इनके आगे मजीद कोई एडजस्टमेंट है लेकिन दोस्तों इनका मुझे हमें नज़र आ रहा है इनका आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो स्टेप हैं कंप्लीट होते हैं सो इस तरह से हमने जो है बी एफ एस को अप्लाई करते हुए मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करते हुए अपने ट्री को जो है वो सॉरी अपने ग्राफ को जो है ट्रेवर्स किया तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिए हैं अगर इस तरह से वैल्यू गिवन हो तो फिर कैसे ट्रेवर्स करते हैं वो मैंने आपको तो पूरा करके दिखा दिया ठीक है और अगर मैं यहाँ पे भी इसको ऐसे जैसे सन करके दिखाया ऐसे करके देखें इसको तो वो भी बड़ा इजी है देखो सबसे पहले हमने जो है वान को वान से स्टार्ट किया और वन का जो है ये वाले विजिट किए तो इनके ऊपर आप क्या लिखोगे स्टेप नंबर वन लिखोगे आप इस तरह वन लिखोगे इसके ऊपर भी आप वन लिखोगे कि आपने इन दोनों को अगर मान लो ये वाला तरीका आपने नहीं करना मतलब आप सर ने ऐसे सोलूशन नहीं मांगा तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो देखो वन से हमने ट्रेवल्स किया वन टू को एंड थ्री को तो हमने उसके ऊपर वन वन स्टेप नंबर वन वन लिख दिया उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखो हमने टू एंड थ्री को अभी अभी विजिट किया ना अब इनको एक्सप्लोर करेंगे तो टू को एक्सप्लोर जब किया तो टू का जेसन था फोर तो इसके ऊपर हम स्टेप नंबर टू लिख देंगे उसके बाद थ्री का जेशन था फोर उसको ऑलरेडी हमने विजिट किया हुआ है थ्री का एडजेशन सेवन तो इसको हमने इसके ऊपर हम टू तो लिख देंगे ऐसे ठीक है स्टेप नंबर टू कम्प्लीट हो गया अब जिन जिन को आपने स्टेप नंबर टू के ऊपर कम्प्लीट किया ना उनकी अब आप हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे उनको देखो स्टेप नंबर टू में हमने किस किस को हम कंप्लीट कि कि, किया फोर को तो फोर के मजीद एजेशन कौन से कौन से एक फाइव एंड सिक्स तो इसके ऊपर आप थ्री लिख दोगे स्टेप नंबर थ्री एंड स्टेप नंबर थ्री उसके बाद टू का टू के ऊपर आपने सेवन को भी कम्प्लीट किया तो सेवन को जब मजीद एक्सप्लोर किया तो सेवन के अगर मज़ीद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो so, यहाँ पे हम रु, रुक जाएंगे तो so, दोस्तों ये इसका सोलूशन था मतलब अगर आप इस, इसको डायग्राम मेटिकली बयान करो तो ये देखो ये इसके पहली बन ही बनी थी डायग्राम स्टेप नंबर वन की स्टेप नंबर टू की डायग्राम कौन सी बनी थी ये वाली मतलब कुछ इस तरह से आ, ये वाली ऐसे ये ऐसे ठीक है और उसके बाद स्टेप नंबर थ्री के अंदर ये अपनी आप, पूरी डायग्राम बन जानी थी ठीक है ये स्टेप नंबर थ्री आपका आ गया समझ आ गई बात की ले जनाब इतनी डिटेल के साथ मैंने आपको ये हर चीज़ बता दी है अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चलेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च ये भी एक बेसिकली टेक्निक है जो हमारे ग्राफ को ट्रेवल्स करती है ठीक है जी इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह और देख अब एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि अब बी एफ एस का कोई एल्गोरिथम है बी एफ एस का अगर एलग्रिदम है तो उसको समझा देता हूँ आपको नहीं बी एफ एस का यहाँ पर एल्गोरिथम नहीं है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच देन गाइस टेक केयर अल्लाह हाफिज